नमस्कार, विश्व दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत और ईरान ने चाबहार समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ महत्वाकांक्षी चाबहार बंदरगाह परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अफगानिस्तान तक सीधे संपर्क के साथ साथ मध्य एशियाई देशों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी। इस परियोजना के पूरे होने पर पाकिस्तान जाए बिना ही भारत का समुद्र से नहीं जुड़े अफगानिस्तान तथा अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ आवागमन आसान हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह पहुंचने के बाद इन देशों के साथ ईरान के माध्यम से रेल और सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा। मोदी तथा ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की मौजूदगी में दोनों देशों ने चाबहार परियोजना के साथ 11 अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। श्रीनगर में आतंकवादी हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत। आतंकवादियों ने श्रीनगर के जदीबाल इलाके में सोमवार को दो पुलिसकर्मियों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। जदीबाल श्रीनगर को हजरत बल दरगाह और सौरा स्थित सुपर स्पेशलिटी SKIMS अस्पताल से जोड़ता है। मृतकों की पहचान सहायक उप निरीक्षक गुलाम मोहम्मद और हेड कांस्टेबल नजीर अहमद के तौर पर हुई है। दोनों ही जदीबाल पुलिस थाने में पदस्थ थे। अदन में कार बम धमाके में 40 सैनिकों की मौत। यमन के बंदरगाह शहर अदन में एक आत्मघाती कार बम धमाके में कम 40 नए भर्ती सैनिकों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला तब हुआ जब अदन के खोर मक्सार जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी के आवास पर ये सैनिक पंजीकरण के लिए पंक्तिबद्ध थे। यमन की सरकार के खिलाफ यह बड़ा आतंकवादी हमला था। स्थानीय न्यूज वेबसाइट अदन अलगाद में छपी तस्वीरों में सैनिकों को अपने साथियों के शवों को उठाते हुए तथा एम्बुलेंस में घायलों को रखते हुए दिखाया गया है। स्मृति ईरानी और प्रियंका के बीच ट्विटर पर छिड़ा युद्ध। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी के बीच ट्विटर पर वाक युद्ध छिड़ गया। स्मृति ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए असम के चुनावों में मिली हार को उनकी विशिष्ट योग्यता बताया। एक ट्वीट में प्रियंका ने किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए स्मृति का जिक्र किया था और कहा था कि स्मृति ईरानी की जिंदगी पर कथित खतरे से उन्हें जेट सुरक्षा मिल जाती है और यहां मैं बलात्कार और मौत की धमकियों की जांच तक करवाने के लिए जूझ रही हूं। स्मृति ने तत्काल जवाब देकर प्रियंका को बताया कि उनके पास जेट सैनिक की सुरक्षा नहीं है। प्रियंका ने कहा कि वे गृह मंत्रालय के अंदरूनी कामकाज को नहीं जानती और उन्होंने अखबारों में छपी खबरों के हिसाब से यह बात कही। स्मृति ने जवाब में एक सवाल पूछते हुए कहा कि आप मेरी सुरक्षा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? कोई योजना बना रही है क्या? प्रियंका ने भी जवाब में कहा कि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। शबे बारात के मौके पर दिल्ली में कटे 2400 चालान। शबे बारात के मौके पर दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने रविवार देर रात 2400 चालान काटे और करीब 200 गाड़ियां जब्त की। यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त शरद अग्रवाल के अनुसार चालान काटे जाने के अलावा करीब 3000 ऐसे चालकों को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है जिन्हें मौके पर पकड़ा नहीं जा सका। इनके वाहनों के नंबर पुलिस ने नोट कर लिए हैं। शबे बारात के अवसर पर सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए इस बार यातायात पुलिस की 200 टीमें तैनात की गई थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।